मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। जिनको बीच में कोई बाल निकल गए हैं और आजू बाजू में बाल है, उसकी सबसे अच्छी औषधि है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, एलोवेरा रस, कोरपट का रस, कोरपट का रस जहाँ से बाल चले गए वहाँ मालिश करिए, एक तास दो तास के बाद उसको पानी से धो दीजिए तो नए बाल आ जाएंगे। और इसका एक उपाय है, देसी गाय का मूत्र वहाँ पर मालिश करिए जहाँ चारी पड़ गए, और एक तास के बाद फिर पानी से धोइए तो नए बाल आ जाएंगे। और तीसरा उपाय है, आंवला खाइए तो भी बाल आ जाएंगे। अभी आंखों की तकलीफ पर हम बात कर रहे हैं जी, महिलाओं की तुलना में बहुत कमी है, पुरुषों के शरीर में कमी है। भगवान ने पुरुषों को बहुत सारी चीजें कम दी है, उनमें से एक है मिलेनियम। पुरुषों का मिलेनियम स्त्रियों की तुलना में हमेशा कम रहता है, और पुरुषों का मिलेनियम स्त्रियों की तुलना में जल्दी समाप्त भी होता है, इसलिए हमेशा पुरुष ज्यादा टक्कर होते हैं स्त्रियों को। तो ये प्रकृति का ऐसा कुछ नियम है, तो अब वो है तो है, उसको स्वीकार करना ही ठीक है, उसमें कोई औषध नहीं है, उपचार नहीं, क्योंकि वो बॉडी में है ही नहीं मिलेनियम, और मिलेनियम आप पैदा नहीं कर सकते, जो है उसको बढ़ा सकते हैं लेकिन पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान का दिया हुआ है, आप बाहर से इंजेक्शन के द्वारा नहीं डाल सकते। तो ये ऐसी स्थिति है, स्त्रियों में मिलेनियम ज्यादा है ही, पुरुषों में कम है, इसलिए स्त्रियों के बाल ज्यादा समय तक ठीक रहते हैं, पुरुषों के बाल जल्दी समाप्त हो जाते हैं।